हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे आयरलैंड वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स T20। तीसरा T20 मैच है ये। वेस्ट इंडीज़ ने ऑलरेडी 2 T20 मैच जीत लिए हैं और सीरीज़ अपने नाम कर ली है। कल का मैच भी काफ़ी अच्छा रहा हमारा। जैसा कि मैं बताता हूँ, वर्ल्ड कप का ये वार्म अप मैच है, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। तो मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत ही इन्वेस्ट किया था। रैंक यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 लाख वाली में मैंने जब ज्वाइन किया था तो काफ़ी अच्छा पॉइंट्स यहाँ पर हुआ है, बट कंपटीशन काफ़ी अच्छा था तो पॉइंट्स तो हमारे काफ़ी अच्छे बने और टीम ने भी काफ़ी अच्छा किया। ट्रेंट बोल्ट को मैंने कैप्टन रखा था और लकीली उन्होंने विकेट भी ली, देख सकते हैं। 66 वाले में रैंक वन आया है, 44 वाले में भी रैंक वन है। एक ही टीम मैंने यूज़ की थी, यहाँ पर भी देख सकते हो रैंक मेरा। कुछ चेंजेस करने थे बट ठीक है, लक के ऊपर भी डिपेंड रहता है, बट कौन कब खेल जाए नहीं पता होता है वार्म अप मैच में। फिर भी काफ़ी अच्छा स्कोर हमारा रहा है, आप देख सकते हैं दोनों भी रैंक मेरी एक ही टीम से। इंडिया की मैच में भी काफ़ी अच्छा मेरा रैंक रहा है, देख सकते हो 4 लाख लोगों में हमारा 8,000 रैंक आया है, लगभग 150 रुपये की विनिंग हुई है। और बस एक ही यहाँ पर मैंने मिस कर दिया प्लेयर, वो है कुलदीप यादव। भुवनेश्वर कुमार की जगह पर अगर हम कुलदीप को ऐड कर लेते तो बहुत ही अच्छा हमारा मैच हो सकता था। तो इट्स अ मैटर ऑफ लक, ठीक है कोई बात नहीं, हार्ड लक। अभी पूरा वर्ल्ड कप हम शुरू करने वाले हैं और बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे और हम ग्रैंड लीग भी ज़रूर विन करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ वुमेन वर्सेस आयरलैंड वुमेन की। रिकॉर्ड मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं पहला मैच ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ जीत चुका है 64 रन से। आयरलैंड की टीम 75 रन पे ही ऑल आउट हो गई थी। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग काफ़ी अच्छी है। सेकंड में भी आप देख सकते हैं आयरलैंड ने 112 ही रन बना पाए और वो भी मैच हार गई, 45 रन से जीत लिया था वेस्ट इंडीज़ ने वो मैच भी। थर्ड T20 है, वो भी डबलिंग में खेला जाएगा और वो मैच भी हो सकता है वेस्ट इंडीज़ ही जीत जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आज के मैच में भी। तो देख लेते हैं हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी आज के मैच के लिए। यहाँ पर मेरी वैसे 5 टीम है जिसमें से मैं 4 का आपको व्यू दे दूँगा। पहली टीम में हमारी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ग्रैंड लीग के लिए खेल रहे हैं तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन के चॉइसेस मिल जाते हैं और मुझे उम्मीद है इस टीम से आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर लेंगे। तो इस टीम में मैंने दिया है वेल्ड्रॉन को वाइस कैप्टनसी और एस्टेलर को मैंने कैप्टनसी दी है, आप देख सकते हैं। और बैटिंग काफ़ी अच्छी है वेस्ट इंडीज़, इसके लिए मैंने वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन ही यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। टीम 3 आप देखते हैं, यहाँ पर मैंने बॉलर ज़्यादा ऐड किए हुए हैं। फ्लिचर जो कि काफ़ी अच्छी बॉलर है वेस्ट इंडीज़ की, और यहाँ पर केगर काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। पूरे टीम में यही एक वुलेंसोम प्लेयर है जो परफॉर्म कर रही है, सो हम इनको मिस नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट टीम का प्रीव्यू मैं दे देता हूँ, यहाँ पर एस किंग और मैथ्यूज को मैंने दिया है वाइस कैप्टनसी। आज के मैच में हो सकता है कुछ डिफरेंस आ रहे, क्योंकि ग्रैंड लीग अगर जीतना है तो कुछ डिफरेंट दोस्तों करना ही पड़ता है। और हम जब मल्टीपल टीम क्रिएट करते हैं तो हम बेस्ट से बेस्ट चॉइस आपके लिए सोच कर परफॉर्मेंस देख कर बनाते हैं। तो आप चाहे तो इस टीम के साथ जा सकते हैं, ये सारी के सारी डेमो टीम है और आप इसमें कुछ चेंजेस करके अपनी टीम भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड रहेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने ये ऑल्टरनेट कर दिया, फ्रैक्चर को मैंने कैप्टनसी दे दी और केगर को वाइस कैप्टनसी दे दी।
ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट के ही हम भूखे हैं, और आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें खुशी होती है, और इसी तरीके से हम बेस्ट टीम आपके लिए लाते रहेंगे। और ये चैनल का यही काम है, वर्ल्ड कप में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट टीम आपको देने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिएगा, और आपको कुछ सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं, कोई भी सजेशन हो, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो, सब से ही हमें खुशी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आप ग्रैंड लीग जीतें, और हमें दुआओं में याद रखें।